तो उन्होंने कहा, कैकेयी ने कहा है कि मेरे कारण राम वनवास चले गए, मेरे कारण राज्य छूटा, मेरे कारण दशरथ है, मैं किसी की सेवा राम जब तक वापस नहीं आते नहीं लूंगी, इसलिए उन्होंने नहीं कहा, नहीं गई। और लक्ष्मण की पत्नी वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वह अपने ही कमरे में लक्ष्मण के बारे में उनका उनके बारे में एक तरह से तपस्या कर रही है कि वे लौटकर सुखरूप आएँ, उनको किसी प्रकार की उनको रामचंद्र जी की सेवा में नींद ना आए, इसलिए उनके नींद को रोकने की और उनकी श्रेष्ठता करने के लिए वो अपनी तपस्या में खड़ी हुई है और वहाँ पड़ी है। तो उन्होंने सुमित्रा जी को भी देखा, नमस्कार किया, बाद में शत्रुघ्न जी के पास गए तो शत्रुघ्न जी ने उनको पकड़ कर कहा, तुम सच सच बताओ तुम हो कौन। तो उन्हें लगा कि मैं सच बात बताऊं तो ये घबरा जाएंगे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, उनको विष का प्रयोग हो गया है, तो ये लोग डर जाएंगे। और भरत के पास गए तो भरत ने भी कहा कि तुम कौन हो, यहाँ से क्यों जा रहे। तो उन्होंने कहा मैं राम भक्त हनुमान हूँ और राम की सेवा में यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने उनकी नगरी अयोध्या को देखने के लिए आया हूँ। उस समय लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी आई तो हे हनुमान क्यों झूठ बोलते हो, मैं लक्ष्मण की पत्नी हूँ, मैंने तपस्या की है, मैं हर एक दृश्य यहाँ से देख सकती हूँ, मेरे लक्ष्मण पति मूर्छित होकर मेघनाथ इंद्रजीत के बाण से मूर्छित पड़े हुए हैं और आप यहाँ से संजीवनी पर्वत ले जा रहे हैं। इस सारी बात सुनकर भरत शत्रुघ्न सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि उर्मिला को कैसा मालूम और इतने धैर्य के साथ कैसे है कि उनका पति गिरा हुआ है, तुझे इसका ज्ञान कैसे हुआ। उर्मिला ने कहा कि मैं इसके ज्ञान के बारे में ने क्या और मैं सब कुछ भी जानती हूँ। भरत शत्रुघ्न चिंतित हो गए, शत्रुघ्न ने अर्जेंट में कहा चलो हम सब लोग सैन्य को लेकर लंका जाएंगे और उनके ऊपर प्रयोग करेंगे, उनको मारेंगे। तो हनुमान जी ने कहा रामचंद्र जी अपना कार्य अपन करना है, क्या आप उनको बदनामी देना चाहते हैं कि उनमें शक्ति नहीं है, वे एक बाण में रावण को हताश कर सकते हैं, क्या उनका अपमान करना चाहते हैं आप जाकर। शत्रुघ्न और भरत शत्रुघ्न दोनों भी मौन हो गए और उन्होंने कहा फिर अब आगे कैसा होगा। तो कहते हैं कि माता उर्मिला ने कहा आज तुम्हें बताती हूँ कि तुम कोई चिंता करने की बात नहीं, यहाँ से हनुमान जी जब पर्वत लेकर जाएंगे और वहाँ तक का दृश्य मैं तुम्हें बताती हूँ। आज तुम टीवी की जो बात कर रहे हो, आज आप जो सैटेलाइट की बात कर रहे हो, बात करो ना लक्ष्य। उर्मिला जी ने अपना आंचल फैलाया और भरत शत्रुघ्न को और सभी को कहा कि मेरे आंचल में देखो, जैसे हनुमान जी उड़ के गए वहाँ संजीवनी को उन्होंने दिया और लक्ष्मण उठकर के युद्ध तक का दृश्य उन्होंने अपने आंचल पे बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुप्त रामायण में लिखा हुआ है, ये उस समय की बात है जब हम उस त्रेता युग की बात कर रहे हैं। तो वहाँ उस समय वो ज्ञान था और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास उर्मिला जी ने यह किया है ऐसा कहते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी ने भी तपस्या की थी, जबकि ये सेवा में रत थे और वो तपस्या करी थी राम लक्ष्मण की चिंता करते हुए, उन्हें ये सब ज्ञात था। तो ऐसी विद्याएं हमारे पास आज नहीं उस जमाने से भी है। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वहाँ पहुँचे, सभी संजीवनी की योगिनियों ने रामचंद्र जी को नमस्कार किया और संजीवनी बूटी जैसे ही सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। ये बात जब इंद्रजीत को पता चल गया कि मेरे नागास्त्र का उपयोग नहीं हुआ और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए हैं, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि अब आगे क्या करना है। तो संजीवनी बुटियों ने कहा कि आप यहाँ लाए हैं तो ये युद्ध के अंत तक हम ये पर्वत यहीं रखो, जो भी मर जाएंगे हम उसको बढ़ाएंगे। रामचंद्र जी ने कहा मैं इतना कायर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बल पर जीऊँ ऐसा नहीं है, वैद्य की बात लिया हूँ। हे संजीवनी जहाँ आप हैं वहाँ जाओ, वहाँ भी सिद्धाश्रम में जो लोग हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो वे वृद्ध हो जाएंगे, उनके ऊपर रोग का असर होगा। हनुमान जी जहाँ संजीवनी पर्वत था वहाँ ले जाकर रख दो। उन्होंने संजीवनी पर्वत को फिर उठाया और उन्होंने सबको नमस्कार करते हुए संजीवनी पर्वत द्रोण पर्वत जहाँ सिद्धाश्रम था वहाँ ले जाकर रख दिया गया। हनुमान जी आए, युद्ध हुआ। सारे युद्ध होने के बाद इंद्रजीत को जब मार गिराया गया, रावण को मार गिराया गया, तो सारे देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की और इंद्र भागते हुए, क्योंकि देवताओं के राजा हैं उन्होंने भागते हुए आए और रामचंद्र जी को कहा कि मैं उतना श्रेष्ठ तो नहीं हूँ, आप विष्णु रूप होकर भी मानव रूप धारण किए हुए हो, मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी कोई सहायता कर सकूँ। हे रामचंद्र जी मुझे सहायता करने का अवकाश दो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मैं आपके लिए क्या करूँ। तो रामचंद्र जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र तुम्हारे पास अमृत है ऐसा मैंने सुना है,
इस युद्ध में मेरे जितने भी वानर मारे गए हैं उसको फिर जिंदा कर दो, सिर्फ मेरी यही इच्छा है। रामचंद्र जी अपने को माना नहीं और कहते हैं कि रामचंद्र जी के युद्ध में जितने मारे गए थे इंद्र ने उनको फिर बचाया और आगे हुए। ये पुरुषोत्तम राम थे। अपने लिए किसी को मरने नहीं देना, अपने लिए हम दूसरों की सहायता करना, लेकिन अपने लिए कोई मरे ये देवता कोई नहीं चाहता, ये कोई ऋषि नहीं चाहता, ये कोई गुरु नहीं चाहता। वो निस्वार्थी होता है, उसके उसमें स्वार्थ नहीं होता, और यही कारण था कि उन्होंने उसको किया। और ये संजीवनी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या इस संजीवनी की प्राप्त करने की कोई क्रिया है? जो आज ज्योतिर्लिंग जहाँ भी पड़े हैं, अष्टावल शक्तिपीठ है, केवल संजीवनी की जड़ी बूटी जहाँ गिरी है वहाँ वो शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के रूप में वो ज्योति जो संजीवनी में है उन 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है, ऐसा वज्रांग देव में कहा गया है। एक पुस्तक है जो वज्रांग, जिसको शिव हनुमान जी को महारुद्र और वज्रांग कहा जाता है, वो वज्रांग के देव कहलाए जाते हैं, उनको वो दी गई। तो क्या ये संजीवनी बूटी का प्रयोग केवल हनुमान जी अपने पास रख कर गए? हमने थोड़े लोगों के ही नाम सुने, जैसे भीष्म पितामह जिसने चिरंजीवी लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ और वे लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर सके। आज हम 5 दिन तपस्या करके मैंने तपस्या की कह लेते हैं, इसका कारण है कि हमारे पास समय ही नहीं, हम उतने दिन जी नहीं सकते, और जी भी लेंगे तो हमें ये प्रश्न उठता है कि हम जिएंगे तो खाना क्या खाएँ, जिएंगे कैसा? हमारे पास लोगों की संख्या बड़ी है, उस समय आयु बड़ी थी, और जब आयु बड़ी थी तो वो संजीवनी के भुक्ति थे, और संजीवनी को भुक्त करने के बाद आपको पता है भीष्म पितामह को कितने बाण लगे थे और बाण शैया पे पूर्ण युद्ध देखते रहे, उनको बाणों को सहते रखे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। इस श्रेष्ठता के ऊपर से हम कहते हैं कि उनके पास उस संजीवनी बूटी का कितना असर हुआ होगा, कितने असर के साथ वो जिए होंगे। इस प्रक्रिया को किस तरह प्राप्त करें, हनुमान जी हो, भीष्म पितामह हो, और जितने भी चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी, मार्कंडेय जी को भी 8वां चिरंजीवी कहा जाता है, इनको ये चिरंजीवी तत्व कहाँ से आया? तो केवल उनके गुरु के प्रति निष्ठा होने के बाद। भीष्म के गुरु परशुराम जी थे, द्रोणाचार्य के गुरु भी परशुराम जी थे। परशुराम जी अपने पिता जमदग्नि महामुनि से वो विद्या सीखे थे, जिन्होंने भी संजीवनी के पास गई और उन्होंने वो विद्या सीखी थी। इस प्रकार ये चिरंजीवी जिनके पास संजीवनी विद्या थी, बाद में इस संजीवनी विद्या को किसने लिया? गुरुजी क्यों कहते हैं कि आप सिद्धाश्रम आएँ, और गुरुजी क्यों कहते हैं कि सिद्धाश्रम में हजारों वर्ष के साधु आज भी प्राप्त है, कृष्ण को, बुद्ध को, आदि महान भावों को हम सिद्धाश्रम में विचरण करते देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ संजीवनी है। और गुरुजी इसलिए कहते हैं कि आपको तपस्या करनी है, आपको साधना करनी है, आपको जीवन में कुछ श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, तो आप सिद्धाश्रम पहुँचो, आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रादि देवताओं को आप किसी भी तरह तपस्या से आप श्रेष्ठता से प्राप्त कर सकते हो। यही बात जब रावण तपस्या करके शिवजी के पास जा रहा था तो शिवजी को उन्होंने कैलाश पर्वत पर पूछा था कि मुझे अमर तत्व को प्रदान करो, और उन्होंने कहा था इंद्र के पास भी जाने के बाद इंद्र ने भी यही कहा था कि अगर अमृत दे दिया तो रावण नहीं मरेगा, यह तो उच्छृंखल है। जैसा क्या है कि रावण की बहुत इच्छा है कि मैं इतना सुख भोगूं, इतना सुखी हो जाऊं कि उन्हें 1,00,000 वर्ष जीवन जीवित रहा, उसका कारण क्या है? आज हम 60 वर्ष जीने के लिए हटपटाते हैं, वो सोने की लंका में रहा, सोने की थाली में खाता था, तो उसके सैनिक भी सोने की थाली में, सोने के ग्लास में पानी पीते थे, इतना ऐश्वर्य था उसके पास, कुंभकर्ण सोया हुआ रहता था, इतना सब कुछ था, रहने पर भी वो रोज सुंदर स्त्रियों को ढूंढने के लिए निकलता था। इसलिए कहा गया है कि उतना होने पर भी हमारे पास कहा गया है अति दानात हतो कर्णः, अति लोभात सुयोधनः, अति कामात दशग्रीवो, अति सर्वत्र वर्जये। अति कुछ भी करना, हम ज़्यादा कुछ भी मांगने से जिस प्रकार इन लोगों का नाश हुआ वैसे हम नहीं करना चाहिए, इस अति तत्व को हम छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम जितने हैं हम जहाँ तक जीना चाहते हैं वहाँ जिए, लेकिन ऐसा जीवन जिए जिसमें हम हमारा हर कार्य कर सके, देवताओं को प्रसन्न कर सकें, और देवताओं के साथ हम उस संजीवनी को प्राप्त करें। जिसने संजीवनी प्राप्त की, जैसा मैंने आज सुबह कहा आपको, रस विद्या का रसेश्वरी साधक देवताओं को प्रसन्न करने में श्रेष्ठता है, तो उसके साथ साथ देवता तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस देवता को प्रसन्न करके क्या करेंगे? आपका शरीर भी उतना ही दृढ़ सुदृढ़ होना चाहिए, और इस सुदृढ़ होने के लिए उस संजीवनी विद्या को किसी प्रकार प्राप्त करें। जिसके पास संजीवनी हो वो सोने की लंका में सोने की भांति जी सकता है। हमने देखा है रामचंद्र जी 10,000 वर्ष जिए और रावण 1,00,000 वर्ष जिए,
रामचंद्र जी मामूली रूप धारण करके आए, और उसके बाद जब कृष्ण आए तो कृष्ण 1000 वर्ष ही जिए, क्योंकि आयु घटती गई। आज पूर्ण आयु को 100 वर्ष कहलाया जाता है, हम 100 वर्ष भी ठीक नहीं जीते, अगले और थोड़े दिनों के बाद 60 वर्ष ही पूर्ण आयु कहलाएगी। ऐसा हो तो हमें आगे क्या करना है, हमारे जीवन को किस तरह सुधारना है, हम कब तक कहेंगे कि मुझे ये वो देवता प्रसन्न नहीं हुआ, ये काम नहीं किया। 5 दिन की साधना करते, 10 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की साधना करते, गुरु जी मेरे हमारे को देवता प्राप्त नहीं। वो लोग जो 1000 वर्ष की तपस्या किस तरह किए, क्योंकि उनके उस संजीवनी की बूटी उनके गुरु द्वारा प्राप्त की। अगर वो संजीवनी प्राप्त युक्त गुरु अगर अपने शिष्य को छू भी लेता था, अपने प्रेम से दीक्षा देता था, और शिष्य अपना पूर्ण समर्पण करके गुरु को कहता था, तो उसके शरीर की आयु बढ़ा देता था। गुरु में ये शक्ति थी, गुरु कर्म की संजीवनी युक्त था। हम मैंने जिन गुरुओं के अभी नाम लिया है, जैसे परशुराम जी हो, जैसे द्रोणाचार्य भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने संजीवनी की बूटी प्राप्त नहीं की, क्योंकि उन्होंने उतनी सेवा नहीं की थी। वो द्रुपद के शत्रु बनकर काम कर रहे थे, और उन्होंने उस युद्ध में जो कार्य नहीं करना था उनसे हुआ, और उनको इसी प्रकार रावण भी प्रयत्न किया कि संजीवनी बूटी प्राप्त करें, लेकिन नहीं हो सका। आखिर में शिवजी और पार्वती के चरणों में गिरकर कहा कि मुझे अमृत प्रदान करो, तो उन्होंने कहा तुम्हें एक बात हम कर सकते हैं, हमारे पास एक 8 प्रकार के पत्थर है, उन पत्थरों को अगर पूर्ण तरीके से घिसा जाए, और उससे उन पत्थरों को अगर गंगा जल में और 7 नदियों में और 7 समुद्रों में उसको उसका पानी के साथ घिस दिया जाए, और उसको एक अमृत भांड में रखकर आपके नाभि में रखो, जब तक वो नाभि में रहेगा आप यौवनवान रहेंगे और आपकी मृत्यु नहीं होगी।